यह है एक आदमखोर बुढ़िया जिसे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। माँ, तुम्हें कितनी बार बोला है तुम बुरे काम छोड़ दो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। हर 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 चल 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 चल। कुसुमपुर गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। सुबह होते ही भोला अपनी बकरियों को गांव से दूर नदी के किनारे ले जाता था। दिन भर बकरियां चराने के बाद शाम को घर वापस आ जाता। भोला की यही दिनचर्या थी। भोला एक दिन भूख से बेहाल था, तभी उसकी नजर नदी में बहकर आ रहे आम पर पड़ी। अरे वाह 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 वाह, लगता है यह आम मेरे लिए ही बहकर आ रहा है इस नदी में। भोला ने झट से आम को पकड़ा और खाने लगा। नम, 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 नम। अरे वाह, कितना मीठा आम, इसके सामने गुड़ भी फेल है। काश मुझे इतने मीठे आम रोज रोज खाने को मिलते। तभी भोला के दिमाग में एक विचार आया। अरे हाँ, क्यों ना इस गुठली को ही मैं जमा दूँ। जब इस गुठली में से पेड़ निकलेगा तब मैं रोज मीठे मीठे आम खाऊंगा। हाँ, भोला ने नदी के पास ही उस गुठली को लगा दिया। देख भाई गुठली, मैंने तुझे एक नया जीवन दिया है। अब से मैं तेरा मालिक हूँ, जो कुछ भी मैं बोलूँ तुझे वही करना पड़ेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रख, कल जब मैं आऊँ तुझसे एक पौधा निकला होना चाहिए, वरना तुझे काट कर इस नदी में बहा दूंगा। ना रहेगी गुठली और ना जमेगा पेड़। चलता हूँ। फिर बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। चल 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 चल। दूसरे दिन जब भोला उस जगह पर वापस आया तो उसने देखा जहाँ उसने कल आम की गुठली लगाई थी, उस आम की गुठली पर एक छोटा सा पौधा निकल आया है। अरे वाह, हाँ, गुठली ने मेरी बात मान ली। अच्छा गुठली सुन, इतने से काम नहीं चलने वाला। तुझे पता है ना मैं तेरा मालिक हूँ, इसीलिए जो मैं बोलूँ तुझे करना पड़ेगा। कल जब मैं यहाँ आऊँ तू और बड़ा होकर तुझ में और पत्तियाँ होनी चाहिए, वरना तू जानता ही है मैं क्या करूँगा। शाम होते ही भोला घर चल दिया। अगले दिन भोला फिर से उसी जगह वापस आया। भोला ने देखा आज वह पौधा पहले से बड़ा हो चुका है और उस पर पत्तियां भी आ चुकी हैं। अरे वाह, शाबाश गुठली। लेकिन भोला इतने में कहां खुश होने वाला था। भोला फिर से उस आम के पौधे को डांटते हुए बोला। अच्छा सुन गुठली, इससे भी काम नहीं चलने वाला। कल जब मैं यहाँ आऊँ मुझे यहाँ पर आम का एक बड़ा पेड़ चाहिए, वरना पता ही है तुझे। फिर शाम होते ही भोला रोज की तरह घर वापस चला गया। अगले दिन भोला फिर से वहीं पर आया।
देखा इस बार वह छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है। भोला इस बार भी नहीं रुका, वह पेड़ को डांटते हुए बोला, लेकिन गुठली इतने से काम नहीं चलने वाला, कल से इस पेड़ पर आम लगना शुरू हो जाना चाहिए, वरना पता ही है तुझे, ना रहेगी गुठली और ना जमेगा पेड़। चलता हूँ मैं अब। इस बार पेड़ पर आम के छोटे छोटे फूल लग गए। अरे रोज रोज ये खाना खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल गया, अरसा हो गया इंसानी मांस खाए हुए। भोला फिर से आया। भोला ने फिर से पेड़ को डांटते हुए बोला, अरे इतने छोटे आम, देख गुठली कल मुझे बड़े बड़े आम चाहिए, मैं तेरा मालिक हूँ, याद रखियो इस बात को। इस बार बहुत छोटे छोटे फूल आम बन चुके थे। भोला ने फिर से पेड़ को डांटते हुए बोला, देख गुठली तू एक बड़ा पेड़ तो बन चुका है, लेकिन मुझे कल सारे आम पके होने चाहिए, वरना पता है तुझे, मैं तुझे काट कर इस नदी में बहा दूंगा। फिर शाम होते ही भोला रोज की तरह घर वापस चला गया। देखा कि आज पूरा पेड़ पके हुए आमों से भरा हुआ है। भोला ये देखकर बहुत खुश हुआ। वाह वाह गुठली वाह। भोला झट से पेड़ पर चढ़ गया। भोला ने एक आम तोड़ा और खाने लगा। अरे वाह 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 वाह, अब मैं रोज रोज मीठे मीठे आम खाऊंगा। अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे गुठली वाले आम, अरे मीठे मीठे आम, चलो कुछ आम मैं घर भी ले जाता हूँ। हाँ। शाम होते ही भोला खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। देखती हूँ कहीं से अगर इंसानी मांस का जुगाड़ हो जाए। एक दिन भोला जब पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, तभी उस पर एक आदमखोर बुढ़िया की नजर पड़ती है। भोला को देख बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, यहाँ तो आसपास में कोई भी नजर नहीं आता, अब मैं इन लड़कों को ही अपने जाल में फंसाती हूँ, चलो इससे किसी तरह से बात करना शुरू करती हूँ। बेटा ओ बेटा, सुनते हो? हाँ अम्मा, बोलो। बेटा मुझे चंदनपुर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो? अरे अम्मा यह रास्ता सीधे चंदनपुर जाता है। अच्छा सुनो तो जरा, मुझे इनमें से एक आम दे दो, दिखने में तो बहुत ही मीठे दिखाई पड़ रहे हैं, जरा मैं भी तो चख लूं इनका स्वाद। अच्छा आम खाना है, यह लो अभी देता हूँ। भोला ने एक आम तोड़ा और बुढ़िया को दिया, लेकिन बुढ़िया झूठ बोलने लगी। अरे ये क्या, ये तो सड़ा हुआ आम है। कोई बात नहीं, यह लो मैं दूसरा आम देता हूँ। अरे
अरे बेटा, ये तो कच्चा आम है, मुझे तो पका हुआ आम खाना है। यह लो अम्मा, एक और लो। अरे ये आम तो गोबर में गिर गया है। इस तरह बुढ़िया ने भोला से बहुत सारे आम ले लिए। आखिर में बुढ़िया भोला को बोलने लगी, बेटा क्या ये बकरियाँ तुम्हारी है? हाँ हाँ अम्मा, वह बकरी मेरी है। बेटा तुम्हारी बकरियाँ जा रही हैं। क्या मेरी बकरी? अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अरे बेटा जल्दी नीचे आओ। रुको अम्मा, मुझे उतरने दो। अरे अम्मा, अब मैं कैसे उतरूं? एक काम करो, तुम कूद मारो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। भोला बुढ़िया के कहे अनुसार जल्दबाजी में पेड़ से कूद गया। जैसे ही भोला पेड़ से कूदा, बुढ़िया ने नीचे से बोरे का मुंह खोला और भोला बोरे में जा गिरा। अरे अम्मा, मुझे पूरी में क्यों बंद कर दिया तुमने? मुझे खोलो, मुझे बाहर निकालो। वो भोला को लेकर अपने घर की तरफ चल दी। अरे वाह वाह वाह, आज तो मैं इसे खूब अच्छे से पका कर खाऊंगी। आखिर बड़े दिनों बाद कोई इंसानी मांस जो खाने मिला है। चलते चलते बहुत देर हो गई। बुढ़िया भोला को इतनी दूर से लाते लाते थक गई। अम्मा तुम इस बोरे में क्या लेकर जा रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर जा रही हूँ। बेटा बहुत प्यास लग रही है, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? अम्मा पानी तो तुम पीछे छोड़ आई। बेटा क्या तुम इस बोरे का ख्याल रखोगे? मैं बस अभी पानी पीकर आई। ठीक है अम्मा, जाओ मगर जल्दी आना। बोरे को उस आदमी के पास छोड़कर बुढ़िया पानी पीने चली गई। भोला बोरे के अंदर से सब सुन रहा था। बुढ़िया के जाते ही भोला ने उस आदमी को आवाज लगाई। कोई है, मुझे बचा लो। अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई मुझे बचा लो, मैं इस बोरे में हूँ। अरे यह आवाज तो इस बोरे में से आ रही है। उसने जल्दी से बोरे का मुंह खोला। अरे भाई तुम इस बोरे में क्या कर रहे हो? भोला ने उसे सारी बात बताई। अच्छा तो ये बात है, रुको अभी इस बुढ़िया को मैं आज अच्छा सबक सिखाता हूँ। उसने उस बोरे में भोला के वजन के हिसाब से कुछ मिट्टी डाली। उसके बाद पास के पेड़ में लगे मधुमक्खियाँ उस बोरे में डाल दी। तुम यहाँ से चले जाओ, वह बुढ़िया आती ही होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बुढ़िया वापस आई और अपना बोरा उठाकर फिर से घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर बुढ़िया ने जैसे ही वह बोरा खोला, उस पर सारी मधुमक्खियाँ चिपक गई। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। कुछ ही देर में मधुमक्खियों ने बुढ़िया के हाल काट काट के बेहाल कर दिए। अरे मार दिया रे, मर गई मैं। कुछ समय बीता। अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे गुठली वाले आम। लेकिन बुढ़िया को अभी भी इंसानी मांस ही खाना था। कुछ समय बाद बुढ़िया फिर से भोला के पास आई। बेटा, ओ बेटा। अरे यह तो वही बुढ़िया है। बुढ़िया को देख भोला गुस्से से तिलमिला उठा। अरे तू तो वही बुढ़िया है। पता नहीं तुम्हारे पास कौन आया था। अरे बुढ़िया भाग यहाँ से, तू फिर से आ गई। बुढ़िया अपनी चालाकी दिखाते हुए भोला को अपनी बातों में
उलझाने लगी। अरे तुम जिसे सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ, वो तो मेरी बहन है, वो तो बहुत ही बेकार औरत है। अरे मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं जानता हूँ तू वही है। अरे अरे अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ? ये देखो मेरी तो चांदी की नाक है पर मेरी बहन की सोने की नाक है। अरे हाँ तुम्हारी नाक तो दूसरी है, तुम्हारी वह बहन बहुत ही मक्कार है, मुझे बोरे में बंद करके ले गई थी। वह तो भला उस आदमी का जिसने मुझे बचा लिया, मगर हमने भी उसे अच्छा सबक सिखाया है, याद रखेगी जिंदगी भर। हाँ हाँ वो इसी लायक है। भोला उसकी बातों में आ गया। बेटा क्या मुझे एक आम दोगे? हाँ हाँ अम्मा यह लो तुम भी खाओ मीठे मीठे आम। भोला बुढ़िया को आम देने लगा। अरे ये क्या, ये तो सड़ा हुआ आम है। कोई बात नहीं अम्मा यह लो मैं दूसरा आम देता हूँ। अरे बेटा ये आम भी खराब है, दूसरा दे दो। यह लो अम्मा एक और लो। अरे ये आम तो गोबर में गिर गया है। इसी तरह इस बार भी भोला से बुढ़िया ने काफी आम ले लिए। बेटा वो देखो कितना पका हुआ आम लगा है, मुझे जरा उसे तोड़ कर दे दो, मेरा मन उस पर चला गया है। अरे अम्मा वह तो बहुत ऊंचा है। अगर मैं तुम्हारी तरह जवान होती ना तो मैं इस पेड़ के किसी भी डाल से आम तोड़ देती। बचपन में तो मैं इससे भी बड़े बड़े पेड़ों से आम तोड़ा करती थी, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता था। अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। भोला जैसे ही वह आम तोड़ने आगे बढ़ा, भोला नीचे गिर गया। जैसे ही भोला नीचे गिरा इस बार भी बुढ़िया ने बोरा खोला हुआ था और भोला बोरे में जा गिरा। बुढ़िया उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दी। चल कल तो तू मुझे चकमा दे के भाग गया, आज तो चाहे कुछ भी हो आज तो मैं सीधा घर पर ही रुकूंगी। चलो अच्छा हुआ बेटी घर पर नहीं है, उसके आने से पहले ही मैं इसे पका कर खा लेती हूँ। बुढ़िया ने जल्दी से चूल्हे पर एक बड़े कढ़ाई में पानी गरम करने को रख दिया। चलो अब जब तक पानी गरम होता है तब तक मैं दुकान से मसाले ले आती हूँ। और बुढ़िया सामान लेने चली गई। कुछ देर बाद उसकी लड़की घर आई और उसकी नजर उस बोरे पर पड़ी। अरे इस बोरे में माँ क्या लाई है, कहीं माँ फिर से किसी को लेकर तो नहीं आई है। उसने जैसे ही बोरे का मुंह खोला उसमें भोला था। अरे ये तो वही है जो मैं सोच रही थी। नहीं नहीं मुझे ये सब रोकना होगा। आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? भोला ने उसे सारी बात बताई। तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, माँ आती ही होगी। ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया। उसकी लड़की ने उस बोरे में कुछ सामान और कुछ बाल रख दिए और वह जाकर छुप गई। कुछ देर बाद बुढ़िया वापस आई। चलो पानी तो गरम हो गया, अब इसे इस गरम पानी में डाल देते हैं। उसने उस बोरे को बड़ी कढ़ाई में खोल रहे गरम पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद उस बोरे में से बाल निकलने लगे। अरे ये क्या हुआ? ये देख वह डर गई। उसे लगा भोला ने उसकी बेटी को इस बोरे में बंद करके इस बार भी वह भाग गया।
अरे ये क्या, उस लड़के के तो इतने लंबे बाल नहीं थे, कहीं वो भाग तो नहीं गया और इस बोरे में मेरी बेटी को बंद कर गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, मेरे गलत कामों की सजा तुझे मिल गई। हाय मेरी बेटी। वह जोर जोर से रोने लगी। देखा माँ, कितना दुख होता है जब किसी अपने के साथ कुछ बुरा होता है। सोचो, जिनके साथ तुम ये सब करती हो वो लोग भी ऐसे ही दुखी होते हैं। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो। आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगी। बेटी मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं कभी बुरे काम नहीं करूंगी। उसके बाद बुढ़िया ने कसम खा ली, आज के बाद वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। और इधर भोला अपने मीठे मीठे आमों का आनंद लेने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजेदार लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।